हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। मैं घनश्याम बोलके आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक गैस लाइटर विथ एलईडी टॉर्च, जो कि ऑपरेट होता है एक एए साइज बैटरी से, और इसके साथ एक एलईडी टॉर्च भी है जो कि ऑपरेट होता है बटन सेल से। तो गाइस, ये है वो लाइटर जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। इसमें कैसे होता है, यहाँ पर एक बटन इन्होंने दिया है और यहाँ पर एक दूसरा बटन है। ये बटन लाइट के लिए यूज़ होता है एलईडी टॉर्च ऑपरेट करने के लिए, और ये जो बटन है रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये बटन ऑपरेट होता है टॉर्च एक्टिवेट करने के लिए। अभी इसमें ए साइज का एक सेल हमें इंस्टॉल करना होता है, जो कि इसके साथ ऑलरेडी नहीं आता है। ये हमें बाहर से परचेज करके इसमें इंस्टॉल करना है और हम अभी इससे यूज़ कर सकते हैं। इसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। इस नोजल को गैस बर्नर के ऊपर रखना है, गैस के बटन ऑन करें और फिर ये बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिक गैस जल जाएंगी, और ये इमिडिएटली रिमूव कर ले, क्योंकि ये इसका बाकी का जो बॉडी है ये प्लास्टिक का बना हुआ है एंड फ्रंट बॉडी जो है वो सिर्फ मेटल का बना हुआ है। तो ताकि गैस के टेम्परेचर की वजह से कुछ भी इस पर हार्मफुल इफेक्ट ना हो, उसके लिए हमें ये प्रिकॉशन देना होता है। लाइटर जो प्रेस बटन टाइप कुछ लाइटर आते थे मार्केट में, जैसे कि ये हो गया या फिर ये हो गया, तो इस तरह के जो लाइटर्स है इसमें कैसा होता है, यहाँ पे एक बटन होता है प्रेस करना होता है, उसके बाद में ये ऑपरेट होता है। इसमें भी वैसा ही है। इसमें प्रॉब्लम कैसा होता है कि हमें एक एक्स्ट्रा का एफर्ट यहाँ पे यूज़ करना होता है, जैसे अभी एक्स्ट्रा का एफर्ट यहाँ पे अप्लाई करना होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा हमें यहाँ पे देना होता है ऑपरेट करने के लिए। तो उसके वजह से थंब में भी कुछ पेन वगैरह आ सकता है या फिर थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है ऑपरेट करने के लिए। लेकिन ये जो डॉल्फिन टाइप वाला लाइटर है, इसकी एक बेहतरीन चीज़ ऐसा है कि ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। यहाँ पे आपको कुछ भी उतना हेवी प्रेशर है इसके ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये बटन क्लिक करना है एंड आप गैस जला पाएंगे। ओके, अभी इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है अभी कैसा, क्योंकि ये जो लाइटर है इसमें किसी भी तरह का बैटरी या फिर सेल यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसे अगर ऑपरेट करना है तो इसमें हमें एक ए साइज की बैटरी इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी नियर अबाउट 20 दिन हो गया हमने ये इस डॉल्फिन टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स लाइटर में से इंस्टॉल किया था, और 30 दिन से हम लोग इसे कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आज इसकी बैटरी टोटली ड्रेन आउट हो चुकी है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं हो रहा है, बट इसका टॉर्च ऑपरेट हो रहा है। तो टॉर्च इसमें है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन वही सेल ड्रेन आउट हो जाता है एक महीने के बाद, हर एक महीने बाद आपको सेल इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स होने के कारण ये कब धोखा दे कुछ पता नहीं सकते, लेकिन ये जो मैकेनिकल लाइटर है ये तो कंटिन्यूसली चलता है इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। इसकी कंप्लीट बॉडी जो है मेटल की बनी है, सिर्फ यहाँ पर ग्रिप जो है वो सिर्फ प्लास्टिक का बना है। लेकिन डॉल्फिन टाइप लाइटर में कैसा है, यहाँ पे सिर्फ नोजल जो है वो वहाँ पे मेटेलिक कवर दिया, लेकिन बाकी की पूरी बॉडी है प्लास्टिक की बनी हुई है, और इसमें एक यहाँ पे हैंग करने के लिए हुक भी दिया है, तो वो तो हमने इसमें भी मिल जाता है। इसका एक छोटा सा एक क्लिप आता है जो कि आप वॉल पे इंस्टॉल कर दीजिए और वहाँ पे इसे रख दीजिए क्लिप में, और ये भी हम उसी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, मीन्स उसी तरह से ये हैंग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना, बैटरी पे ऑपरेटेड है, साथ ही साथ में प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसकी लाइफ मुझे तो नहीं लगता है उतनी, जितनी लाइफ इस लाइटर की है उतनी लाइफ ये डॉल्फिन लाइटर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइटर दे पाएगा। लेकिन एक बात सही है कि इसमें ह्यूमन एफर्ट काफ़ी कम लगता है, उसके कारण आप इजीली गैस चालू कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ओके फ्रेंड्स, ये मैंने पेटीएम से परचेस किया था, पेटीएम पे ये फिलहाल 149 के प्राइस पे अवेलेबल है, एंड इसे शिपिंग के लिए 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा वो चार्ज करते हैं। लेकिन पेटीएम पे मैंने एक कोड कूपन कोड अप्लाई किया था, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये कूपन कोड मैंने यूज़ किया था और उसमें मुझे 100% कैशबैक मिल गया, लेकिन 35 रुपीज़ वहाँ पे सिर्फ पे करना पड़ा था। इसकी इफेक्टिव प्राइस मेरे लिए 35 रुपीज़ हो गई। तो देखो यार, 35 रुपीज़ में क्या मिलता है, ये वाला लाइटर भी आजकल नहीं मिलता है मार्केट में, और होम डिलीवरी तो भूल ही जाओ। या आप मार्केट में लेने भी जाओगे तो चलो मान लो यार 30 या 35 रुपये में मिल भी जाएगा, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा का एफर्ट खर्चा करना पड़ेगा, जो कि ये घर बैठे मुझे 35 में मिल गया। ड्रॉबैक तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, लेकिन और एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी इससे बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ए साइज की बैटरी इंस्टॉल करना है और सेल इंस्टॉल करना है, तो हर एक महीने बाद हमें और एक सेल इंस्टॉल करना है, वो सेल अल्टीमेटली गार्बेज में जाएगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा, या फिर अगर गार्बेज में ना फिक्स वे इसे प्रॉपरली डिस्पोज भी करना चाहे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा का पावर यूटिलाइज होगा। तो इसका ये
बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन यूज़ करने वाला है। अगर मान लो कोई एजेड वुमन यूज़ करना चाहती है जो कि इतना एफर्ट नहीं लगा पाए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हमारे जैसे यंग लड़के लोग जो कि हॉस्टल पे या फिर रूम पे खाना बनाते हैं या फिर कुछ नए हाउसवाइफ्स है या फिर किचन में हो गया या फिर होटल्स में हो गया, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से तो ये लाइटर यूज़ करना चाहिए जहाँ तक हम यूज़ कर पाए, क्योंकि इसमें ऐसा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उतना ही बढ़ता है। मीन्स एनवायरमेंट को ये उतना पॉल्यूट नहीं करता है जो इतना ये लाइटर करता है। तो मेरी आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के लाइटर पे या फिर इस तरह के कोई भी इक्विपमेंट मार्केट में जो अवेलेबल है जो कि एनवायरनमेंट पे बुरा असर डालते हैं, वो उसका इस्तेमाल कम से कम करें। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है वैसी चीज़ों का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी कम है एंड मैं आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।